पहला रिश्ता खामिंद और बीवी है जो इस कायनात में जुड़ता है। ये दुनिया का सारे रिश्तों में नंबर वन रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे अहम रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता है। वालदैन के लिए चंद आयात है, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खामिंद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों। तो अगर आप अपने घरों में कामयाबी देखना चाहते हो, अपने घर को हाउस की बजाय होम देखना चाहते हो, खुशी का अगर आप उसे गहवारा बनाना चाहते हो, अल्लाह की कसम डिग्रियों से नहीं होगा, मोहब्बत से होगा। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल, नहीं, मेरे नबी ने सवाल किया, बोलो भाई इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज। नहीं, सुभान, अभी मैं नमाज की कितनी अहमियत बता चुका। उन्होंने अर्ज किया जिहाद, आपने फरमाया नहीं। तो साहबा ने अर्ज किया रोजा, आपने फरमाया नहीं। अल्लाह या रसूल अल्लाह हज, आपने फरमाया नहीं। तो सारे साहबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह नमाज, जिहाद, रोजा, हज, तो फिर क्या है? अब सुनना सारे बहन भाई, मस्तूरात, बच्चे बच्चियां, आपने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत और बड़ा अमल है आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अगर आप अपने घरों में हुसन देखना चाहते हो तो एक दूसरे से मोहब्बत करो, इजहार मोहब्बत करो। और मोहब्बत के पैदा होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लपेट के दो में कर देता हूँ, दो में। बीवी की खूबी देखो, कमी ना देखो। खाविंद की खूबी देखो, कमी ना देखो, पहली बात। दूसरी बात, इस जबान से जहर ना उगलो मोहब्बत के फूल, इस जबान से कड़वे जुमले ना हो, तंज ना हो, टॉन्टिंग ना हो, बेजन ना करो, इंसल्ट ना करो, तो आपके दिल जुड़ जाएंगे। याद रखो, शक्लों से जिंदगी आबाद नहीं होती, जिंदगी अखलाक से आबाद होती। तो अपने घर से टॉन्टिंग निकाल लो। न कहा का मतलब है बारिश का जमीन में जज्ब होकर यकजान हो जाना। दो जिंदगियों का मोहब्बत में जज्ब होकर यकजान हो जाने को निकाह कहते हैं। न कहा आंखों में नींद का उतर के सुला देना, न कहा खामिंद और बीवी का ऐसी मोहब्बत देना कि चैन की नींद आ जाए, न कहा एतमाद करना, भरोसा करना, खामिंद बीवी पे भरोसा करे, बीवी खामिंद पे भरोसा करे, ए नोवे लुक लुक के फोन चक्को रे होवे, काल कितने की थी, काल कितने की थी। इज्जत दो, एतमाद करो। चौथा मतलब, दरख्त का छांव बना देना, ना कहा मियां और बीवी, खामिंद और बीवी का मोहब्बत की ऐसी छांव बनाना कि उसके नीचे औलाद का पौधा खूबसूरती से पैदा हो सके। न कहा, सिर्फ लफ्ज लिखा के मतलब बता रहा हूं, न कहा मरीज को, किधर डॉक्टर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मरीज को दवा ऐसी देना कि वो शिफा याब हो जाए, आपस के ऐसे ताल्लुक बनाना कि जिंदगी को शिफा मिल जाए। मेरे भाई बहनों, मैं आपको अपने नबी की जिंदगी बता रहा हूं। मेरे नबी ने 11 शादियां की, अल्लाह जुल जलाल की कसम, सिर्फ हमें जिंदगी सिखाने के लिए कि घर की जिंदगी कैसे होती है और औलाद को कैसे पाला जाता है। आप लोग क्या मजबूरियां हैं कि औरत भी जॉब करती है, मर्द भी जॉब करता है। औरत की सबसे बड़ी जॉब अपनी नस्ल को पालना होता है। जब यहाँ टाइम नहीं मिलता बच्चे को, ना माँ से मिलता है ना बाप से मिलता है, तो फिर वो जंगल का पौधा बन जाता है।